गाइस मैंने स्टार्ट की है एक सीरीज जिसके अंदर मैं सारी पीकेएल की टीमों का जो है रिव्यू करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं सबसे पहले पीकेएल 7 की सभी टीमों की अलग अलग सेपरेट वीडियो में विनिंग परफॉर्मेंसेस, साथ ही साथ हम बात करेंगे टीम के टॉप रेडर एंड टीम के टॉप डिफेंडर की। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिनको यहाँ पे जो है टीम को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि बेकार परफॉर्मेंस के चलते जो है उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है अपने प्रीवियस सीजन में। साथ ही साथ हम लास्ट में सबसे लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक की, जो कि रहने वाला है किन किन खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है टीम्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑक्शन में खरीदने वाली हैं। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है, हर टॉपिक पे आपको जो है सेपरेट एक वीडियो में बना के दे रहा हूँ। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तमिल थलाइवास के पीकेएल 7 के विनिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे तमिल थलाइवास ने टोटल 22 मैचेस खेले, इसके अंदर उन्हें 4 मैचों में जीत मिली, 3 मैच उनके ड्रॉ रहे और 15 मैचों में वो हारे हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि इनका बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा साल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीग स्टेज में सबसे लास्ट तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने इतनी कोई खास अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सक्सेसफुल रेट्स की, यहाँ पे सक्सेसफुल रेट की जो परसेंटेज है यहाँ पे 41 आ रही है तमिल थलाइवास की, जहाँ पे मेरे हिसाब से 40 एवरेज रहती है, तो इतनी कोई खास परफॉर्मेंस रेटिंग के अंदर नहीं दिखाई है। और सक्सेसफुल टैकल्स में यहाँ पे 39% है, तो गाइज ये तो गाइज एवरेज से भी नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे तमिल थलाइवास ने रेडिंग और डिफेंस दोनों के अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं दिखाया है। वहीं पर अगर हम बात करें टॉप रेडर की, तो टॉप रेडर इस बार राहुल चौधरी है जिन्होंने 130 रेट पॉइंट्स यहाँ पे हासिल करे, साथ ही साथ टॉप डिफेंडर रहे मजीद चिलर जिन्होंने 37 टैकल पॉइंट्स यहाँ पे टोटल हासिल करे हैं। तो यहाँ पे इतना कोई मतलब खास पर्सन नहीं राहुल चौधरी ने दिखाया, ना मजीद चिलर ने, बट अपने टीम के हिसाब से यहाँ पे बेस्ट करा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रिलीज प्लेयर्स की, जो गाइस मेरे हिसाब से कुछ 6 नाम्स हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगले साल के लिए टीम यहाँ पे रिलीज करेंगी, क्योंकि इन्होंने जितने मैचेस तमिल थलाइवास के लिए खेले उसमें बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है। जहाँ पे नाम आता है शब्बीर बापू, यशवंत बिश्नोई, आनंद अजीत, हेमंत चौहान और सबसे लास्ट में पी सुब्रमण्यम का। इन 6 खिलाड़ियों में से 3 रेडर हैं, 3 डिफेंडर हैं, साथ ही साथ एक ऑलराउंडर है। तो मुझे लगता है कि इन 6 खिलाड़ियों की टीम को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इनकी परफॉर्मेंस भी जाके चेक कर सकते हैं कि इनने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस पीकेएल सीजन 7 में बिल्कुल भी अच्छी नहीं करके दिखाई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स की जिनको यहाँ पे तमिल थलाइवास ऑक्शन में बाय करेंगी और उनको करने की ज़रूरत है यहाँ पे टीम की सिचुएशन के हिसाब से। सो गाइस यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें टीम के मेन 8 प्लेयर्स की, सो गाइस यहाँ पे टीम्स के अंदर सबसे ज़रूरी होते हैं 2 कॉर्नर्स जो कि आपके लिए रेगुलर खेले, परमानेंट जो कॉर्नर्स होते हैं, साथ ही साथ जो परमानेंट कवर्स भी होते हैं टीम के पास, और 4 परमानेंट रेडर होते हैं जहाँ पे 3 तो स्टार्टिंग 7 के अंदर खेलते हैं और एक बैकअप ऑप्शन होता है अगर आपको कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है कोई रेडर, या फिर एज अ सब्स्टिट्यूट रेडर आप किसी एक ऐसे रेडर को रखते हैं जो कि आपको मतलब मुश्किल के वक्त में हमेशा पॉइंट निकाल के देते। तो गाइस यहाँ पे एक ऐसे रेडर का भी टीम में नाम पक्का आता है जो कि आपके लिए 22 के 22 मैचेस खेले। टोटल 8 प्लेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं जिनका यहाँ पे 100% यहाँ पे खेलना जरूरी होता है हर मैच के अंदर। जिनमें से अगर हम बात करें तमिल थलाइवास के कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स में बिल्कुल भी कमी नहीं है। मोहित चिलर रन सिंह बेस्ट कॉर्नर है, टोटल दोनों ने मिलकर 83 टैकल पॉइंट्स हासिल करे हैं, तो बिल्कुल भी बुरा स्कोर नहीं है ये। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे तमिल थलाइवास के लिए कॉर्नर्स में कोई कमी नहीं है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे कवर्स की, तो कवर्स में यहाँ पे मंजीत चिलर लेफ्ट कवर में बेस्ट ऑप्शन है, 41 टोटल पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे हासिल करे, बट राइट कवर में स्टार्टिंग से हमें तमिल थलाइवास की दिक्कतें दिखी हैं, जहाँ पे कभी अजीत आते हैं फिर कभी यशवंत बिश्नोई यहाँ पे कोशिश करते हैं राइट कवर पे खेलने की, बट कोई भी अच्छे से यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है यहाँ पे राइट कवर की पोजीशन पे। तो मुझे लगता है कि अगले साल तमिल थलाइवास को एक राइट कवर की प्रॉपर जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे रेडर्स की, तो रेडर्स में अजय ठाकुर, राहुल चौधरी और वी अजीत कुमार 3 रेडर्स तो यहाँ पे परमानेंट होते हैं। बाकी टीम के 4th रेडर पिछले साल यहाँ पे शब्बीर बापू थे, पर मुझे लगता है इस साल शब्बीर बापू 4th रेडर नहीं रहने वाले हैं और इस साल तमिल थलाइवास के ऐसे रेडर को टीम में शामिल करना चाहेगी जो कि आपको एज अ बैकअप ऑप्शन तो रहे, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी या फिर स्टार्टिंग 7 में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सके। तो तमिल थलाइवास के ऑप्शन स्ट्रेटजी यही रहने वाली है कि यहाँ पे उन्हें एक तो राइट कवर चाहिए जो कि आपके लिए 22 के 22 मैचेस खेले और अच्छी परफॉर्मेंस दे, साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक 4th रेडर टीम को चाहिए होगा जो कि आपके स्टार्टिंग 7 में भी खेल सके और एज अ सब्स्टिट्यूट रेडर फिर एज अ बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। सो गाइज ये पूरी की पूरी मेरे को लगता है कि यहाँ पे तमिल थलाइवास की ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को यहाँ पे लाइक करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक जैसे कि आप अपने कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल चुका हूँ। सो गाइज इस सीरीज की सारी वीडियोज़ का 100 लाइक यहाँ पे एम रहेगा, तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर अपने दोस्तों।